सो ही गाइस वेलकम टू माई ब्लॉग, नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का सीन ऐसा है गाइस, अभी हो गई है दोपहर, लेकिन हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं गाइस, मौसमी का टूर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं ही दिखाऊंगा गाइस, एक मेरे जीजा जी हैं, वही आपको टूर कराएंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मैं रामसेवक यादव, मैं अपने बागान में यानी कि मौसमी के खेत में हूँ। आइए आप लोग दिखाते हैं कि मौसमी मेरी फरी हुई है और काफ़ी फरी हुई। आ रहे हैं बाबा, काफ़ी ज़्यादा फरी हुई है और इसमें थोड़ा साफ़ सफाई नहीं हो पाई बारिश के मौसम में, इसलिए कल तो दवा मारी हुई है, अब घास सूख जाएगी सब। देखिए मौसमी बहुत ज़्यादा फरी हुई, लेकिन क्या किया जाए, ना देखने की वजह से बहुत लोग तोड़ भी रहे हैं। अभी तोड़ने वालों से अनुरोध है, भाई खाने लायक नहीं है, अभी ये बेकार ही होगा, कृपया करके आप लोग तोड़े ना अभी। हाँ, एक दो खाने का मन हो तो जब तैयार हो जाए तभी लें, तभी तोड़ें, है कि नहीं बाबा? आप लोग ऐसा ना करिए, बेकार लगती है ना, अभी कच्ची है, अच्छा लगता नहीं। नींबू भी फरा हुआ है, नींबू अच्छा फरा हुआ है भाई। बाबा जी नींबू, बाबा जो देखिए बहुत गिरा हुआ है, ले लीजिए, उठा लीजिए सब, दो चार दस दिन में मंडी दिखा दीजिएगा बाबा इसको। हाँ फरा हुआ है, बेकार होता है सब, आप लोग देख भी नहीं करते हैं, हम लोग पास समय नहीं इतना, हम लोग देखें। काट दीजिए बाबा इसको, काट दीजिए सब फालतू पौधे हटाए। अरे वाह बाबा, संतरा देखिए, देखिए मित्रों संतरा, संतरा का पेड़ आप लोग देखें कि नहीं, देखिए ये कितना अच्छा फरा हुआ है, वाह बहुत मस्त। एक पेड़ और होगा ना, कहाँ पे, ये भी फरा हुआ बहुत कम है, इस पे दो ही है, इस पर फरी है। हाँ ये बच्चे हैं सब, और गर्मी तो भाई की बहुत काफ़ी है, देखिए देखिए पेड़ देखिए बाबा, इसको काट दीजिए इसको नीचे से। गणेश बाबा हमारे पेड़ को काटते हुए बेहद अच्छी फरी हुई मौसमी, नहीं अभी पकी नहीं बाबा, सूख गई सब। क्या नींबू मिला है क्या, लाइए लेंगे आप लोग भी, चलिए ठीक ठीक ठीक। हाँ सूख गई, चलिए देखिए सुखा के देखिए। अरे छीलिए पहले उसको, तब न खाएंगे भाई। बढ़िया मजेदार, कैसा है? अरे भाई अभी सूखा हुआ है, मैं बताया ना सूख गई, सूख गिरी है, पहले गिरी हुई है, जब पानी नहीं पड़ी बरसा था तब का।